Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study high school poetry lesson 3, अर्थात high school के poem का तीसरा poem हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. इसका नाम है the village song. The village song, और the village song के composer poetess हमने कहा सरोजनी नायडू, क्योंकि पोएट मतलब कवि और पोएटिस कवित्री. तो द विलेज सॉन्ग की पोएटिस हैं कंपोज करने वाली इंडियन राइटर इंडियन पोएट सरोजनी नायडू. नाम से सभी परिचित होंगे सरोजनी नायडू के. सरोजनी नायडू वही हैं जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई. आइए थोड़ा जानते हैं सरोजनी नायडू के बारे में. सरोजनी नायडू वॉज बॉर्न इन हैदराबाद डेक्कन ऑफ बंगाली पेरेंट्स ऑन 13 February 1879. सरोजनीज फादर डॉक्टर आघोरीनाथ चट्टोपाध्याय वॉज ए प्रोफेसर इन निजाम्स कॉलेज एंड हर मदर वॉज वरदा सुंदरी वॉज अ डिवोटी एंड कल्चर्ड लेडी. लाइक मोस्ट ऑफ बंगालीज सरोजनी वॉज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर कल्चरल हेरिटेज. देखिए सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद डेक्कन में 13 फरवरी 1879 को हुआ था. उनके पिता डॉक्टर आघोरीनाथ चट्टोपाध्याय निजाम कॉलेज के प्रोफेसर थे. उनकी महिला एक सांस्कृतिक और एक सांस्कृतिक महिला थी. अधिकांश बंगालियों के जैसे सरोजनी नायडू को भी अपने सांस्कृतिक विरासत पर बहुत गर्व था. भारतीय संस्कृति की विरासत अगर देखना हो तो आप बंगाल चले जाइए. जितने भी कहा जाए तो लिटरेचर से संबंधित लोग आए, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए या सरोजनी नायडू हुई, बंगाल की पृष्ठभूमि से ही. इसके अतिरिक्त सरोजनी नायडू वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. महात्मा गांधी वॉज द मेंटर ऑफ सरोजनी नायडू एंड नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फोरम ऑफ सरोजनी नायडू. एट द 68 सी बीकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. 68 वर्ष की उम्र में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी. द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य. शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी. शी डाइड ऑन 2 March 1949. उन्होंने 2 March 1949 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. पोएटिस सरोजनी नायडू को जानने के बाद आइए थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया पर विचार करते हैं द विलेज सॉन्ग का. In this poem, the poetess Sarojini Naidu has expressed her views about the difference between natural life and worldly life. The girl loves nature, so she wants to go to the forest. The mother tries to prevent her. For doing so, she gives the reference of pleasure of worldly life, her love and mother's feeling. The girl has told the reality of this world. Since her love for nature was true and pure, so decides to go in the lap of nature. Central idea के बाद poem का stanza wise explanation हम देखेंगे. तो ये poem जो है 16 line की कविता है. थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन आप ध्यान से देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा, बहुत ही रोमांचक और रोचक कविता है द विलेज सॉन्ग. तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टेंजा 1, उसके बाद स्टेंजा 2. द विलेज सॉन्ग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड. एक माँ और उसकी बच्ची के बीच का ये वार्तालाप है. माँ अपने बिटिया से बोलती है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कैस्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू.
हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, हनी मतलब वैसे तो शहद होता है लेकिन यहाँ होगा लवली यानी कि प्यारा, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, विदर मतलब होता है किधर, आर यू गोइंग तुम जा रही हो, प्यारी बच्ची तुम किधर जा रही हो, वुड यू कास्ट, कास्ट मतलब होता है फेंक देना, डाल देना, योर जेवल्स अपने आभूषण, जेवल्स मतलब होता है आभूषण, ऑल टू द ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब होता है हवा, ब्लो मतलब होता है बहना और चलना, क्या तुम अपने सभी आभूषण हवा के बहने के साथ साथ हवा में फेंक दोगी, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को, लीव मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, हु वान गोल्डन ग्रेन, गोल्डन ग्रेन मतलब होता है सोने के अनाज यानी कि अच्छे अच्छे पकवान, गोल्डन ग्रेन का एक अर्थ गेहूं के अनाज भी होता है, हैज फेड यू, फेड मतलब होता है खिलाना, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी जो तुम्हें सुनहरे अनाज यानी स्वादिष्ट भोजन तुम्हें खिलाती थी, वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव मतलब होता है दुख पहुंचाना, क्या तुम दुख पहुंचाओगी द लवर उस प्रेमी को, हु इज राइडिंग फोर्थ, राइडिंग फोर्थ मतलब होता है घोड़े पर सवार होना, घुड़सवारी करना, टू वेड यू, वेड मतलब होता है शादी करना, यू मतलब तुमसे, क्या तुम उस प्रेमी को भी ठुकरा दोगी, दुख पहुंचाओगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर आ रहा है। एक बार फिर देखिए, प्यारी बच्ची तुम किधर जा रही हो, क्या तुम हवा के बहने के साथ साथ अपने आभूषण फेंक दोगी, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जो तुम्हें स्वादिष्ट पकवान तुम्हें खिलाती थी तुम्हें पालने के लिए, क्या तुम उस प्रेमी को छोड़ दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। अगले चार पंक्तियों में उसकी बच्ची अर्थात बिटिया जवाब देती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हंटेड रिवर आइस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, द वॉइसेज ऑफ फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। मदर माइन कहती है, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट जंगली जंगलों में मैं जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा बक्स, बक्स मतलब होता है डालियां टहनियां और बर्ड्स मतलब होता है कलियां, जहां चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां आर ब्लोइंग खिल रही हैं, फूल रही हैं, फूट रही हैं, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर, कोयल मतलब होता है, कोयल हॉन्टेड मतलब होता है रहती हैं, रिवर आइस मतलब होता है नदी के टापू, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसेन, जहां लोटस मतलब कमल के, लिलीज मतलब होता है कुमुदनी अर्थात कमल के फूल, ग्लिसेन मतलब होता है चमकना या खिलना, तो जहां नदी के टापू पर कोयल रहती है और जहां कमल के फूल लहलहाते हैं चमकते हैं वहां जा रही हूं, द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉल्क, वॉइसेज मतलब होता है आवाज, फेरी मतलब होता है परियां, फॉल्क मतलब होता है लोग, फेरी फॉल्क मतलब परियां लोग, परी लोग आर कॉलिंग में मुझे बुला रही हैं, परियों की आवाजें मुझे बुला रही हैं, ओ लिसन जरा सुनो, परियों की आवाज मुझे बुला रही हैं। एक बार फिर देखिए, मेरी माँ, मैं जंगलों में जा रही हूँ जहां चंपा की डालियों पर चंपा के फूल खिल रहे हैं, जहां नदी के टापू पर कोयल रहती है और जहां कमल के फूल खिल रहे हैं चमक रहे हैं लहलहा रहे हैं, कब परियां मुझे बुला रही हैं, जरा सुनो, परियां मुझे बुला रही हैं। स्टेंजा टू के बाद अंतिम 8 लाइन, स्टेंजा 3 और 4 को हम एक साथ देखेंगे कि सरोजनी नायडू ने इस कविता के माध्यम से उस हनी चाइल्ड से कैसे उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, इस सांसारिक मोह माया की ओर उसको आकर्षित कर रही है, लेकिन वो हनी चाइल्ड, वो लड़की जो है जिसको प्रकृति से प्रेम है, वह प्रकृति की गोद में जाना चाहती है, कैसे अपना व्याख्यान देती है, आइए देखते हैं स्टेंजा 3 और 4। फिर माँ पूछती अपने बिटिया से, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम,
सिल्वर एंड सैफ्रन ग्लोइंग, योर ब्राइडल किक्स आर ऑन द हर्थ, ओ वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। माँ अपनी बिटिया को, बच्ची को लालच दिखा रही है कि संसार फुल ऑफ प्लेजर, आनंद से भरा हुआ है। आनंद किस बात का? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, विवाह के गीत से, एंड क्रेडल, क्रेडल मतलब होता है पालना, तो पालना के गीत से, एंड सैंडल मतलब होता है चंदन, सेंटेड मतलब खुशबू, लेजर मतलब होता है आराम या फुर्सत। तो संसार आनंद से भरा हुआ है। किसके आनंद से? शादी के गीत, पालना के गीत और चंदन के खुशबूदार फुर्सत के आराम से संसार भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। ब्राइडल रोब्स मतलब होता है शादी के कपड़े, अर्थात शादी का जोड़ा भी कह सकते हैं। आर इन द लूम, लूम मतलब होता है करदा, जहां कपड़ों की बुनाई होती है। तुम्हारे शादी के जोड़े करघा में है। सिल्वर एंड सैफ्रन ग्लोइंग, सिल्वर मतलब होता है चांदनी, चांदी भी होता है, सैफ्रन मतलब होता है केसरिया, चांदनी और केसरिया रंग में ग्लोइंग मतलब चमकता हुआ तुम्हारा शादी का जोड़ा करघा में है, अर्थात तैयार हो रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। केक्स मतलब होता है मीठा या मिठाई या गुलगुले होता है। योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारे शादी के मिठाइयां अर्थात शादी के गुलगुले आर ऑन द हर्थ। हर्थ मतलब होता है भट्टी, चूल्हा। तुम्हारे शादी के गुलगुले चूल्हे पर हैं। ओ वेदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद इस तीसरे स्टेंजा के बाद चौथे स्टेंजा में वह बच्ची फिर जवाब देती है। हमने पहले ही बताया कि ये कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है माँ और बेटी के बीच में। तो बच्ची जवाब देती है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। अर्थात जो शादी के गीत और पालना के गीत हैं वो दुख के लहजे हैं। कैडेंस मतलब होता है लहजा या ताल, दुख से भरा हुआ भी समझ सकते हैं। शादी के गीत और पालना के गीत दुख के ताल हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, आज सूर्य की लाफ्टर मतलब होता है हंसी, आज सूरज की हंसी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल मौत का हवा है। अर्थात आज सूर्य की जो हंसी है कल वही मौत में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये दूसरा लाइन जो है बहुत बड़ा लाइन है, कह रहा है कि आज जो चीजें अच्छी लग रही हैं जो है आनंद की वस्तु है, लेकिन आने वाले समय में वो हमें दुख प्रदान करेंगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, और उससे भी कहीं ज्यादा स्वीटर साउंड मतलब मधुर साउंड मतलब होता है आवाजें। द फॉरेस्ट नोट्स मतलब होता है जंगल के नोट्स मतलब होता है नोट्स मतलब यहाँ नोट्स मतलब भी आवाज होगा, साउंड मतलब लगना, प्रतीत होना। तो उससे भी सुंदर, उससे भी अच्छा मधुर जंगल की आवाजें लगती हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां जंगल की स्ट्रीम्स मतलब होता है धाराएं, अर्थात झरनों की धाराएं आर फॉलिंग गिर रही हैं, जहां जंगली झरने, जंगल में झरनों की आवाज, झरने गिर रहे हैं। आगे कह रहा है कि ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती। स्टे मतलब होता है ठहरना, रुकना, मैं नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि द फेयरी फॉल्स आर कॉलिंग, क्योंकि परियां मुझे बुला रही हैं, परियां मुझे बुला रही हैं। वह बच्ची कहती है कि मैं प्रकृति की गोद में जाना चाहती हूँ, परियों की दुनिया में जाना चाहती हूँ, इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, इसमें आज तो आनंद है लेकिन आने वाले समय में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं परियों के पास जाना चाहती हूँ।